हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम शुरू करने जा रहे हैं ड्रैकुला का हमला का पार्ट टू। तो आइए शुरू करते हैं। और शीघ्र ही राजनगर की मुख्य कैथोलिक चर्च में, ये आप क्या कह रहे हैं फादर, क्या ड्रैकुला को ख़त्म करने के लिए फिर से संत इलोजियन की कहानी को दोहराना पड़ेगा? हाँ लोरी, ड्रैकुला तो सिर्फ तुम्हारी हड्डियों से बना क्रॉस ही मार सकता है, वे हड्डियाँ जिनको तुम अपनी स्वेच्छा से दान करो। यानी ड्रैकुला की जान लेने के लिए हमको लोरी की जान देनी पड़ेगी? पहले के ज़माने में बलि या शरीर दान करना आम बात होती थी, लेकिन ये 21वीं सदी है। आज के विज्ञान के पास ड्रैकुला को मारने का जरूर कोई ना कोई तरीका होगा। विज्ञान, हा हा हा, मैं विज्ञान का ही छात्र रहा हूँ ध्रुव। विज्ञान तो ड्रैकुला जैसी चीज़ में विश्वास ही नहीं करता। भला विज्ञान के पास ऐसी चीज़ को मारने का क्या तरीका होगा जिस पर विज्ञान विश्वास ही नहीं करता? मेरा यकीन करो, ड्रैकुला हर पल और शक्तिशाली होता जा रहा है। कुछ समय बाद वह लोरी के अस्थि क्रॉस से भी नहीं मरेगा। फिर दुनिया पर ड्रैकुला का जो हमला होगा उससे हम तुम भी नहीं बचेंगे ध्रुव, हम भी वैम्पायर बन जाएंगे। आपका मतलब है कि ड्रैकुला लोरी की भी काट ढूंढ ही लेगा? हाँ, ड्रैकुला यह बात अभी तक नहीं जानता है, लेकिन अगर वह यूलोजियन की वंशज लोरी का खून पीने में सफल हो गया तो फिर उसके अंदर एक ऐसा प्रतिरोधक पैदा हो जाएगा जो उसको लोरी के अस्थि क्रॉस से भी मरने नहीं देगा। इसलिए लोरी को जो भी निर्णय लेना है जल्दी लेना पड़ेगा, और वह निर्णय अस्थि दान का ही होना चाहिए। बिना किसी दूसरे रास्ते की तलाश किए मैं लोरी को कोई निर्णय लेने नहीं दूंगा। बहस जारी थी और समय तेज़ी से भागता जा रहा था। राजनगर के एक कब्रिस्तान में, आप ये कैसी शक्ति पा ली है मालिक, पलक झपकते ही हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में आ पहुँचे। दुनिया के सारे कब्रिस्तान ड्रैकुला की मिल्कियत हैं फ्रैंकेनस्टीन, इसलिए हम एक कब्रिस्तान से किसी भी दूसरे कब्रिस्तान में ट्रांसमिट हो सकते हैं। पहले हम ऐसा कब्रिस्तानों में क्रॉस की मौजूदगी के कारण नहीं कर पाते थे, लेकिन अब मामूली क्रॉस हमें परेशान नहीं कर सकते। अरे सेवक, समाचार लेकर आया है क्या? सब क्या खबर है? लोरी के यहाँ पर होने की खबर तो हमको पहले ही मिल चुकी है। ची ची ची, सच ऐसा कहा उस पादरी ने? योजना बदल गई है फ्रेंकी, अब तुमको उस लड़की को मारना नहीं है, ढूंढकर मेरे पास लाना है ताकि मैं उसका खून पीकर अपने आप को सुरक्षित कर सकूं। जाओ, चाहो तो उस लड़की की तलाश में पूरे राजनगर में विनाश फैला दो। उधर तू लोरी को ढूंढ, इधर मैं अपनी खून की प्यास को बुझाता हूँ। जा, इस नए घटनाक्रम से बेखबर। चर्च में बहस अभी भी जारी थी। लोरी, तुम कोई निर्णय क्यों नहीं लेती? वक्त कम है। ओह, स्टार ट्रांसमीटर पर इमरजेंसी सिग्नल आ रहे हैं। यस करीम, कैप्टन हियर। तुम कहाँ चले गए थे कैप्टन? हम तुमको लाख कोशिशों के बाद संपर्क नहीं कर पा रहे थे। मैं जरा फॉरेन टूर पर चला गया था। बोलो, गुलाबी चौक पर कोई खतरनाक प्राणी तोड़फोड़ मचा रहा है और वह मेन कैथोलिक चर्च की तरफ बढ़ रहा है। लोरी कहाँ है? सामने आ जा। धड़ाक, चमगादड़ उस चर्च के ऊपर उड़ रहे हैं, यानी वहीं पर लोरी मेरा शिकार। लेकिन मैं चर्च के अंदर नहीं जा सकता हूँ, ऐसा विनाश फैलाना होगा कि लोरी खुद ब खुद बाहर आ जाए। फ्रैंकेनस्टाइन का पैर जमीन पर से टकराया, धड़ाम, और जमीन हिल उठी। ओह माय गॉड, ये भूकंप क्यों आ रहे हैं फादर? ड्रैकुला या उसके सेवक चर्च में नहीं आ सकते। तुमको चर्च से बाहर निकालने का यह तरीका अपनाया है उन्होंने, अभी तक बाहर नहीं आई। लगता है कि पूरे चर्च को ही मलबे के ढेर में बदलना होगा। इस बार फ्रैंकेनस्टीन पर का पैर हवा में उठा, लेकिन पैर के बजाय फ्रैंकेनस्टीन का पूरा शरीर ही जमीन से जा टकराया। तुम्हारे और उस चर्च के बीच में अब ध्रुव खड़ा है, वैम्पायर ध्रुव। लेकिन हमारे और मेरे बीच में सिर्फ तुम्हारी मौत है। रास्ता छोड़ दो मेरा, वरना फ्रैंकेनस्टाइन तुम्हारी कब्र यहीं खोद देगा। अब फ्रैंकेनस्टाइन जमीन पर पैर मारेगा और जमीन फटकर तुम्हारी कब्र बन जाएगी। ओह, इसके पैर की धमक इस बार तो पूरे इलाके को समतल बना देगी, लेकिन इसका पैर मैं जमीन से टकराने से कैसे रोक सकता हूँ? यस, एक तरीका है। इस बार फ्रैंकेनस्टाइन का पैर जमीन की बजाय रबर के हवा भरे टायर से जा टकराया, और इस कारण रबर में हुए कंपन ने फ्रैंकेनस्टाइन के पूरे शरीर को कंपा डाला, और ध्रुव ने स्टार ब्लेड्स की बौछार से कांपते फ्रैंकेनस्टाइन के सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये ना तो इंसान है और ना ही पशु, इसलिए मुझे इसकी जान लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए।
इसके मरने से लोरी पर मंडराता खतरा कुछ हद तक कम ही होगा। इसी वक्त राजनगर के दूसरे कोने में, हा हा हा, ये क्या है, कुछ भी हो सकता है, डोंट टेक एनी चांस, शूट टू किल, गोलियों ने उस बढ़ती आफत के शरीर को छलनी कर दिया। लेकिन वह आफत नहीं रुकी। ओहो, ये इंसानी शरीर है, खून से भरे कटोरे नहीं। अगर आपको खून पीना है तो आइए मेरे साथ। गाइड चंडिका आपको सबसे नज़दीक के ब्लड बैंक ले चलती है। कमांडो हेडक्वार्टर से पता चला कि उनका ध्रुव से संपर्क नहीं हो रहा, इसलिए मैं खुद गश्त पर निकलने का फैसला किया। ये क्या मांजरा है, पता नहीं चंडिका, मैं यहाँ ड्यूटी पर था तब ये औरत ठीक ठाक उस तरफ से आई थी, पर लौटी तो वैम्पायर बन चुकी थी। वैम्पायर, ओह, तब तो इनसे निपटना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने सुना है वैम्पायर में अद्भुत शक्ति होती है। धड़ाक, तूने ठीक सुना है लड़की, थोड़ी देर में तुझको भी मेरे जितनी ताकत आ जाएगी। जब मैं तेरा खून पीऊँगी तो तू भी मेरी तरह जैसी वैम्पायर बन जाएगी। सारी वैम्पायर बहना, मैं 2 दिन पहले ही अपना ब्लड डोनेट किया है, अभी तो मेरे पास खुद खून की कमी है। अब तेरे पास खून नहीं रहेगा, हिलना मत, वरना मुझे तेरी खोपड़ी में छेद करना पड़ेगा। हम मरो का खून नहीं पीते, शाबाश, अब हम दोनों मिलकर इसका खून पिएंगे, आधा आधा। ठीक है, लेकिन पहले मैं इसका खून पीऊँगा। नहीं, पहले मैं, लेडीज वैम्पायर फर्स्ट। जल्दी का काम शैतान का काम होता है। हड़बड़ी में दोनों को पता नहीं चला कि कब चंडिका बीच में से खिसक गई। बड़ा गंदा स्वाद है इसके खून का, चुस चुस, अगर मुझे भूख ना लगी होती तो इतना सड़ा खून कभी नहीं पीती। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है, अरे अरे, मैंने तेरा खून पी लिया। ओह, मैंने तेरा, तभी खून में के स्वाद मरे हुए चूहे के खून जैसा था। ये क्या हो रहा है, वैम्पायर एक दूसरे का खून नहीं पी सकते। हाँ, ऐसा करने से वैम्पायरों की ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि यह नाजुक मानव उस ऊर्जा का दबाव नहीं सह सकता। वाह, अनजाने में मैंने वैम्पायरों की एक कमजोरी को ढूंढ लिया। अब इस मुसीबत की जड़ को ढूंढना होगा। पुलिस वाले के अनुसार वह औरत उस तरफ से आई तो वैम्पायर बन चुकी थी, यानी इधर ही वैम्पायर का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री राजनगर के दूसरे छोर पे। आश्चर्यजनक, इसने तो अपने सिर को धड़ से वापस जोड़ लिया। वह इसलिए क्योंकि इसको जोड़ जोड़ कर ही बनाया गया है। इसके शरीर में ना जाने कितने मुर्दों के अंग लगे हैं। यह वैम्पायर नहीं है, लेकिन यह ड्रैकुला का सबसे शक्तिशाली सेवक है, इसलिए ड्रैकुला ने मुझे बिल से निकालने के लिए इसको भेजा। इस पर यह तांत्रिक वार भी काम नहीं करेंगे जो वैम्पायर पर असर करते हैं। लोरी, तुम यहाँ पर क्यों आ गई, क्योंकि मुझे लगा कि तुमको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। लोरी, तू आखिर बाहर आ ही गई, और फ्रैंकेस्टाइन तुझको मालिक के पास ले जाएगा। मैं इसको भ्रमित करने की कोशिश करता हूँ लोरी, जिसके पास दिमाग ना हो उसको तुम भला भ्रमित कैसे करोगे। इसको सदियों पहले एक जीव वैज्ञानिक ने बनाया था, उसने इसके अंगों को मुर्दों के अंगों से जोड़कर बना दिया, पर उसमें दिमाग नहीं दिया। फिर उसने इसको जिंदा कैसे किया, और अब इसमें दिमाग है ही नहीं, तो इसके अंगों को कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है। इलेक्ट्रिकल चार्ज इसके शरीर को एनर्जी कंट्रोल करती है, और वही इसके अंगों को जीवन देती है। फिर तो अपना काम हो गया। ऊर्जा का संपर्क अगर धरती से करा दिया जाए तो धरती सारी ऊर्जा सोख लेती है, और यह काम करेगा ये केबल। केबल का एक सिरा जमीन में धंसा और दूसरा फ्रैंकेस्टाइन के शरीर में जा धंसा। ये तड़प रहा है, लगता है तुम्हारी ट्रिक काम कर गई ध्रुव, लेकिन ये तो और शक्तिशाली हो गया, पर कैसे। वो समझा, धरती में तो जड़ ऊर्जा यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, यह अपनी ऊर्जा को खोने की बजाय धरती की ऊर्जा को भी सोखकर और शक्तिशाली बन गया, और इस पर मेरे वार भी असर नहीं कर रहे। उफ, क्या करूँ मैं, अब मैं क्या करूँ। अगर तुम मदद नहीं कर सकती तो फिर तुम्हारा यहाँ पर रहना भी उचित नहीं है। मैं इस शैतान को से निपटने की कोशिश करता हूँ, तुम चर्च की तरफ भागो। लेकिन ध्रुव, मैं भागो, तुम कहाँ भागोगी, अब तो तू फ्रैंकेस्टाइन के साथ ही जाएगी। ओ माय गॉड, इसने तो दो विशालकाय चमगादड़ों को मेरा रास्ता रोकने के लिए बुला लिया, और ये मुझ पर हमला कर रहे हैं। मुझे नोच नोच कर मेरा खून बहा कर मुझे कमज़ोर कर देना चाहते हैं। मैं इनको आपस में ही लड़वा सकती हूँ। लोरी की उस तांत्रिक किरण ने चमगादड़ों की भावना को ही बदल दिया, और दोनों चमगादड़ एक दूसरे पर ही टूट पड़े। चीं चीं चीं, आह शाबाश लोरी, अब इससे पहले कि और चमगादड़ आए तुम भागो। अक नहीं लोरी,
रुक जाओ, सुनो लोरी, इस शैतान फ्रैंकस्टीन को हमारी कोई भी ताकत ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन ये खुद को ख़त्म कर सकता है। कैसे ध्रुव, कैसे? इस टेलीपैथिक बातचीत को फ्रैंकस्टीन सुन नहीं पा रहा था। तुमने बताया था कि फ्रैंकस्टीन को कई अलग अलग मुर्दों के अंगों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है और इंसानों में एक दूसरे से घृणा करने की प्रवृत्ति होती है। इसके अलग अलग अंग साथ जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन उनमें से हर अंग की वही सोच होगी जो उस अंग के मालिक की थी। अगर तुम उस सोच में छुपी घृणा की भावना को भड़का सको तो इसके अंग एक दूसरे को ही तोड़ डालेंगे। ग्रेट आइडिया ध्रुव, ये मैं कर सकती हूँ, बस मेरी शक्ति इन बिना दिमाग वाले अंगों पर भी काम कर जाए। लोरी के उन वारों ने हर अंग में एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना को जगा दिया और धड़ाम धड़ूम, शाबाश लोरी, मैं तुम्हारे तंत्र साधना से बहुत प्रभावित हूँ। बिना तुम्हारी मदद के इन शैतानों से भिड़ पाना असंभव है। ओह, स्टार ट्रांसमीटर पर मैसेज आ रहा है, ध्रुव राजनगर के कहीं निवासी वैम्पायर में बदल गए हैं। कैसे, ये अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन वे सभी चर्च की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर तुम मौजूद हो। हे भगवान, मुझे तो भीड़ भी की आवाज़ भी आ रही हैं। किसकी ध्रुव? इनकी, राजनगर के इन निवासियों की, जिनको किसी ने वैम्पायर बना दिया, और हम इन पर किसी भी तरह का हमला नहीं कर सकते क्योंकि हमारा काम इनको इनके रूप में से मुक्ति दिलाना है, ख़त्म करना नहीं। ये ड्रैकुला के अलावा और किसी का काम हो ही नहीं सकता। ध्रुव, यह ड्रैकुला का ही हमला है। ऐसा करके वे अपने सेवकों की तादाद को बढ़ा रहा है। सही कहा लोरी, उसको फ्रैंकस्टीन की हार का पता चल गया और उसने इन लोगों को तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए भेजा है। इन्होंने तो चर्च की तरफ जाने का रास्ता भी रोक लिया ध्रुव, और बगैर इन पर हमला किए हम चर्च तक नहीं पहुँच सकते, और ये हमारे पास आते ही जा रहे हैं। ये ज़मीन के ऊपर है, नीचे नहीं। कूदो इस सीवर में लोरी, हम इस सीवर लाइन के रास्ते चर्च तक पहुंच सकते हैं कुछ ही पलों बाद। दोनों सीवर लाइन के रास्ते से चर्च की तरफ बढ़ रहे थे। अब मैं फादर ब्रायन की बात पर सोचने के लिए मजबूर हो गई हूँ। ऐसे तो ड्रैकुला पूरे संसार को बर्बाद कर डालेगा, उसको ख़त्म करना ही होगा, और उसके लिए मुझको जान देनी ही होगी। वह तो तुमको देनी ही होगी। कोई सीवर में हमारा रास्ता रोक कर खड़ा है ध्रुव, यह आकृति जानी पहचानी सी लग रही है। मेरे ख्याल में ये तो चंडिका है और ये वैम्पायर बन चुकी है। मैं जानती थी कि तुम लोग इसी रास्ते से भागोगे, लेकिन अब तुम लोग वहाँ जाओगे जहाँ मैं चाहूँगी। ओ माय गॉड, अब मैं ज़िंदा रहना नहीं चाहती। फादर ब्रायन तक मेरी हड्डियों को पहुँचाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ध्रुव। बेवकूफ़ी मत करो लोरी, जानबूझकर मरने के लिए चंडिका के सामने मत आओ। मुझे मरने दो ध्रुव, मरने दो, यही दुनिया को बचाने का एकमात्र रास्ता है। अब तू मुझसे लड़ेगा? अच्छा है, अब पहले मैं तुझको वैम्पायर बनाऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर लोरी को मालिक ड्रैकुला के पास ले चलेंगे। ना तुम ड्रैकुला के पास वापस जाओगी चंडिका, और ना ही मैं जाऊंगा। हम दोनों सीधे अस्पताल जाएंगे तुम्हारे पूरे चेकअप के लिए। वहां पर तो तुमको अकेले जाना पड़ेगा क्योंकि मुझसे मार खाने के बाद तुमको सिर्फ अस्पताल ही बचा सकता है, चाहे कुछ ही घंटों के लिए ही सही। चंडिका अपना ध्यान मुझसे लड़ने में नहीं बल्कि मुझे वैम्पायर बनाने में लगा रही है, और इससे मुझे इस पर वार करने का मौका, आह, इसमें तो फुर्ती और शक्ति दोनों ही बढ़ गई है। मेरा दिमाग अंधेरे में डूब रहा है। धड़ाक, आश्चर्यचकित लोरी को समझने का मौका ही नहीं मिला। आह, ये तो मेरा खून पीकर मुझे वश में करना चाहती है, और मेरी नज़र में ये अभी तक चंडिका ही है। मैं इस पर वार नहीं कर सकती हूँ। लोरी दुविधा में थी। चंडिका के दांत उसकी गर्दन में धंसने ही वाले थे, लेकिन चंडिका के दांतों में कुछ और आकर धंसा। अख, मुझे समय पर होश आ गया। ये क्या ध्रुव? ये तारकोल का वह गोला है जो शायद ऊपर सड़क बनने के वक्त नीचे आ गिरा होगा। धूप ना मिलने के कारण इसका मुलायम पन अभी तक बरकरार है। अब जब तक ये चंडिका के दांतों में फंसा हुआ है तब तक हम सुरक्षित हैं। शायद नहीं, हम दांतों से तो बच गए, लेकिन इसके हाथों से कैसे बचे? मैं लड़कियों पर हाथ सिर्फ तभी उठाता हूँ जब तक वह बेहद बदनाम हो या कोई और चारा ना बचा हो। तुम वार नहीं कर सकते, और मैं इससे लड़ी तो 2 सेकंड में चित हो जाऊंगी। फिर हम क्या करें? ओह, एक तरीका है, हमको अपना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कैसे ध्रुव? ऐसे वार मैं नहीं करूंगा, तुम करोगी, लेकिन मेरे इशारे पर। अब चंडिका पिटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी।
क्योंकि ध्रुव चंडिका को ना तो अपने तक पहुंचने दे रहा था और ना ही लोरी को छूने दे रहा था। चंडिका के पैर अब लड़खड़ाने लगे धड़ाक, और जल्दी चंडिका औंधे मुंह पानी में गिर चुकी थी। हमने चंडिका को हरा दिया ध्रुव, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, जल्द ही इसको होश आ जाएगा। उससे पहले कि हमको अस्पताल पहुंचना ज़रूरी है। तुम्हारी उन चोटों से भी खून बह रहा है जो फ्रैंकस्टीन ने तुमको लड़ाई लगाई थी। वैसे तो तुमको भी मरहम की पट्टी की ज़रूरत है, लेकिन वह तुमको चर्च में ही मिल सकती है। तुम इस रास्ते से चर्च की अंदर पहुँचो। मैं चंडिका को अस्पताल में छोड़कर जल्दी ही पहुँचता हूँ। अस्पताल में पहुँचकर ध्रुव चकित रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हाँ हाँ ध्रुव, चंडिका में वैम्पायर बनने के कोई लक्षण नहीं है, यह पूरी तरह से सामान्य है। पर कैसे? मैंने तो अपनी आँखों से इसको वैम्पायर के रूप में देखा था, फिर ये अचानक ठीक कैसे हो गई? वो समझा, ये तो कमाल है, मुझे तुरंत ही चर्च पहुँचना होगा। मेन कैथोलिक चर्च में मरहम पट्टी के बाद तुम अपने आप को जरूर स्वस्थ महसूस कर रही होगी लोरी। अब अरे लोरी, कहाँ गई तुम? मैं यहाँ हूँ फादर। लोरी, तुम ऊपर क्या कर रही हो? आपकी सलाह मानकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही हूँ फादर। ड्रैकुला का आतंक मिटाना ज़रूरी है, और वैसे भी मेरे मंगेतर तक को मेरी परवाह नहीं है, तो ऐसी ज़िंदगी जीकर मैं क्या करूँगी? मेरे मरने के बाद कम से कम मेरी हड्डियाँ तो काम में आ जाएंगी। नहीं लोरी, तुम अगर मर गई तो मेरा जीना भी असंभव हो जाएगा। मार्क, तो तुम आ गए और तुमने मुझको ढूंढ भी निकाला, पर कैसे? तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आई, इसलिए मैंने 4 गुने ज़्यादा पैसे देकर प्लेन का टिकट खरीदा, और यहाँ पर संयोग से मेरी मुलाकात ध्रुव से हो गई। मैं उसी के साथ आया हूँ। मार्क सही कह रहा है लोरी, सिर्फ इसको ही नहीं, उन सैकड़ों राजनगर वासियों को तुम्हारी ज़रूरत है, जिसको ड्रैकुला ने वैम्पायर बना दिया है, और उसका इलाज तुम्हारे रगों में दौड़ रहा तुम्हारा खून है। मेरा खून? पर यह तुमने कैसे जाना? चंडिका में वैम्पायर के कोई लक्षण नहीं है। याद करो, पानी में मुंह के बल गिरने से पहले वह वैम्पायर थी, लेकिन उस पानी में तुम्हारे पैर से निकला खून भी घुल रहा था। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि उस खून के संपर्क में आने से चंडिका में वैम्पायर के लक्षण खत्म हो गए। ऐसा ही होगा, तभी ड्रैकुला मेरा खून पीकर अपने अंदर मेरे रक्त के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना चाहता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? इधर मैं लोगों को ठीक करूंगी, उधर ड्रैकुला वैम्पायर की संख्या बढ़ाता जाएगा। मेरा खुद खून खत्म हो जाएगा, लेकिन ड्रैकुला के सेवक खत्म नहीं होंगे। मुझे अपना बलिदान देना ही होगा। ड्रैकुला को मारने के लिए सिर्फ तुम्हारा अस्थि क्रॉस चाहिए, वह तो तुम सिर्फ अपना एक हाथ या एक पैर दान करके भी बना सकती हो। नहीं ध्रुव, अस्थि क्रॉस सिर्फ तभी काम करेगा जब अस्थि क्रॉस को दान करने वाला प्राणी प्राण त्याग चुका हो, क्योंकि अस्थि क्रॉस तभी प्रभावकारी होगा जब उसके साथ अस्थि दान करने वाले की आत्मा की शक्ति भी शामिल होगी, और आत्मा सिर्फ मरने के बाद ही शरीर छोड़ती है। यानी लोरी को यह विनाश को रोकने के लिए मरना ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि लोरी मरे या फिर अपाहिज होकर ज़िंदगी बिताए। कुछ सोचो ध्रुव, कुछ सोचो। एक तरीका है, पता नहीं वह सफल होगा या नहीं। अगर मेरा तरीका सफल नहीं हुआ तो मैं भी लोरी को मरने से नहीं रोक पाऊँगा, क्योंकि तब शायद मैं खुद ही नहीं रहूँगा। आओ लोरी मेरे साथ। कहाँ ध्रुव? हम चंडिका को देखने के लिए जा रहे हैं, और फिर उसके बाद हम ड्रैकुला को ढूंढने निकलेंगे। तुम पर नज़र पड़ते ही खुद सामने आ जाएगा। ये ध्रुव खुद ड्रैकुला के सामने जा रहा है। आज एक सुपर हीरो मरेगा या वैम्पायर बनेगा, ये मत भूल। ध्रुव के साथ लोरी भी है, वह ड्रैकुला की ज़िंदगी भी बन सकती है और मौत भी। अभी दम साध कर देखते रहे। ड्रैकुला ने अपना शिकार को ढूंढ ही लिया था। लोरी, आहा, तो तू आखिरकार मेरे द्वारा फैलाए गए विनाश से घबराकर बाहर निकल ही आई। अच्छा किया, वैसे भी मेरे सेवक तुझे जल्द ही ढूंढ निकालते। रुक जाओ ड्रैकुला, लोरी को मैं तुझे उसका खून नहीं पीने दूंगा, बल्कि चारा बनाकर तुझे पकड़ने के लिए लाया हूँ। ओ, यानी तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? तू जरूर वही होगा जिसने एक्वा वैम्पायर फ्रैंकस्टीन को हराने में इसकी मदद की थी। तेरा खून का स्वाद भी जरूर चखूंगा, लेकिन लोरी के खून के स्वाद के बाद उसका मौका तुझे नहीं मिलेगा। ड्रैकुला धप। आह, तो तूने किसी पुरानी किताब में पढ़ा था कि ड्रैकुला के दिल में क्रॉस घुसाने से वह मर जाता है,
लेकिन ये बात अब उन किताबों की तरह ही पुरानी हो गई है। देख ले, मैं नहीं मरा लेकिन अब तू जरूर मरेगा। अपनी ये चाल तो बेकार हो गई, भागो लोरी भागो। ये अब कहाँ भागेगी, ये भागकर कहीं नहीं जा सकती क्योंकि तुमको चारों तरफ से मेरे सेवकों ने घेर रखा है। देख लो, अब तक मैं इतने सारे राजनगर वासियों को अपना गुलाम बना चुका हूँ। मैं जानता था कि हमको रोकने के लिए तुम यही करोगे। पीटर, ऑपरेशन ड्रैकुला का दूसरा चरण शुरू करो। ओके कैप्टन। पास ही एक ऊंची इमारत की छत पर खड़े पीटर ने तुरंत ध्रुव के हुक्म पर अमल किया और वैम्पायरों की भीड़ पानी में भीगने लगी। यह पानी की तेज फुहार से नहीं हटेंगे, ये तो सिर्फ, अरे ये क्या, इनकी शक्ल सामान्य कैसे हो रही है, पर कैसे, इस बात को समझना तुम्हारे लिए ज़रा मुश्किल हो सकता है। यह सारा कमाल लोरी के खून की सिर्फ़ एक बोतल का है जिसको हमने बिल्डिंग के हाइड्रोलिक टैंक में मिला दिया है। लोरी का सिर्फ उतना सा ही खून इन सारे वैम्पायरों को सामान्य बनाने के लिए काफ़ी था। तूने पहले लोरी को चारा बनाकर मुझे बुलाकर फंसाने की कोशिश की, फिर तूने ऐसी चाल चली कि मैं अपने सारे वैम्पायर सेवकों को यहाँ बुलाने के लिए मजबूर हो गया। ऐसा तू जानबूझकर किया ताकि तू मेरे सारे सेवकों को फिर से इंसान बना सके। मुझे पता नहीं कि ऐसा तूने कैसे किया, लेकिन तू मेरी उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक है, शायद दिलोजन से भी ज़्यादा खतरनाक, इसलिए मैं तुझको एक पल का भी मौका नहीं दूंगा। ध्रुव पर चमगादड़ों की टोली टूट पड़ी और ध्रुव के शरीर में जगह जगह पर नुकीले दांत धंसकर उसका खून चूसने लगे। अब इधर ये तेरा खून चूसेंगे, उधर मैं लोरी का। आह, ये चमगादड़ तादाद में बहुत ज़्यादा है। सिग्नल फ्लेयर की तेज रोशनी से चमगादड़ घबराते तो हैं, लेकिन संख्या में ज़्यादा होने के कारण रोशनी कई चमगादड़ों की आंखों तक पहुंच नहीं पा रही। अपने साथियों को मदद के लिए बुलाना होगा। उड़ने वालों को उड़ने वाले ही मार सकते हैं। ची 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 ची। अपने दोस्तों के आते ही ध्रुव को चमगादड़ों से छुटकारा मिल गया और ड्रैकुला लोरी का खून पीने में सफल हो गया। धोखा, यह लोरी नहीं है, ये वह रक्त ही नहीं जिसकी मुझे तलाश थी। मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि लोरी को तुम्हारे सामने ले आता। ये लोरी के वेश में मेरी कमांडो फोर्स की कैडेट रेणु है जिसको पीटर लोरी के रक्त मिश्रित पानी से ठीक कर लेगा। इस धोखे की सज़ा तुझे मिलेगी। ड्रैकुला की आंखें चमक उठी और सम्मोहन की किरणें ने ध्रुव के शरीर को जड़ कर दिया। अब मैं तेरा खून नहीं पूंगा, बल्कि मेरा खून तुझे पिएगा। वो खून की धार मेरे शरीर की तरफ बढ़कर मेरे शरीर के ऊपर चढ़ रही है, उसको ढक रही है। आह, यह खून मेरे जिन जिन अंगों पर को घेरता जा रहा है, वे सारे अंग मेरे काबू से बाहर होते जा रहे हैं। ओह, बच गया। पीटर ने पानी की धार मेरे तरफ मोड़ दिया। पानी इस रक्त को धो डालेगा। नहीं, ये तो गोंद की तरह गाढ़ा है, पानी से भी नहीं धुल रहा और इसके चढ़ने की गति और तेज़ हो गई है। क्या करूं, कैसे हटाऊं इस खून को। आह यस, मैं कोशिश करूं तो गले से थोड़ी बहुत आवाज़ निकाल सकता हूं। ची 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 ची। ध्रुव के इशारे पर चिड़ियों का एक झुंड बिजली के तारों से जा टकराया और उड़ती चिंगारियों के बीच में से बिजली का तार टूटकर जमीन पर आ गिरा। बिजली का तार जमीन पर गिरते ही खून की धार में भी करंट दौड़ गया और ध्रुव के शरीर पर चढ़ी खून की परत टूट टूट कर गिरने लगी और साथ ही साथ करंट के झटके ने ध्रुव के दिमाग को भी सम्मोहन से आज़ाद कर दिया। ये कैसे हो गया। विद्युत जैसी चीज़ तुम्हारे ज़माने में सिर्फ आकाश पर ही चमका करती थी ड्रैकुला, इसलिए तुम इसके गुण नहीं जानते। इसकी धारा रक्त में दौड़ते ही यह रक्त में से कोशिकाओं और पानी को अलग अलग करके रक्त को नष्ट कर देता है। ड्रैकुला के पास देने के लिए बहुत सारी मौतें हैं। एक मौत से तू बच गया, दूसरी से तू नहीं बचेगा। अब मैं तुझे, आह, ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे शरीर की सारी शक्ति खिंचती जा रही है। मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा यूलोजियन के अस्थि क्रास के शरीर में घुसने पर महसूस हुआ था। तुमको ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है ड्रैकुला क्योंकि तुम्हारे शरीर में लोरी का अस्थि क्रास धंसा हुआ है। मुझे उसकी आत्मा नज़र आ रही है, वह मर चुकी है, लेकिन मेरे शरीर में तो अस्थि क्रास धंसा था, वो मैंने तोड़कर निकाल फेंका था। ये जिलेटिन का बना क्रास था ड्रैकुला, जिसके अंदर लोरी की हड्डियों से बना एक छोटा सा क्रास रखा था। जिलेटिन को तुम्हारे खून ने जैसे ही पिघलाया, वैसे ही अस्थि क्रास ने अपना काम करना शुरू कर दिया।
छोटा छोटा क्रॉस क्यों, जब लोरी मर ही गई थी तो छोटा क्रॉस क्यों, बड़ा क्रॉस क्यों नहीं, क्योंकि यह क्रॉस लोरी के दांतों से बना है। लोरी अभी मरी नहीं है, वह ऑपरेशन टेबल पर बेहोश है, उसके दिल की धड़कन रोक दी गई है। इस अवस्था को हम क्लिनिकली डेड कहते हैं, और इस अवस्था में कई लोगों को अपने शरीर से आत्मा बाहर निकलने का अनुभव होता है, और जब आम इंसान ये काम करता है तो लोरी जैसी साधिका के लिए, तो इस अवस्था में आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालकर उसकी शक्ति को अपने अस्थि क्रॉस के साथ मिलाना मामूली सी बात थी। आह, तेरी चाल ने तो मुझे सचमुच मार डाला लड़के, मर गया ड्रैकुला। ये क्या हुआ गुरुदेव, ड्रैकुला तो फिर मिट गया, उसको तो हम फिर जिंदा कर लेंगे, लेकिन ये अच्छा ही हुआ, अब हम ड्रैकुला को दोबारा जिंदा करके उसको पूरी तरह से अपने एहसानों के बोझ के तले दबा सकते हैं, और लोरी के अस्थि क्रॉस से मरने के बाद उसके शरीर अब उसके प्रति भी प्रतिरोधक शक्ति विकसित कर लेगा। अब ड्रैकुला उठेगा तो लोरी से के मारे भी नहीं मरेगा। अब हमने उसकी दूसरी कमजोरियां भी भाप ली है, हमको पहले उन कमजोरियों को दूर करना होगा और फिर उसको नागराज की मौत का हथियार बनाना होगा। चलो राजनगर। गुरुदेव और नागपाशा एक बार फिर निकल पड़े ड्रैकुला को जिंदा करने के लिए, और इस बार जब ड्रैकुला उठेगा तो पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और फिर एक दूसरे के सामने होंगे नागराज और ड्रैकुला। यह कहानी यहाँ चाहे ही समाप्त हो गई हो, पर ड्रैकुला की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। तो गाइस, इस भाग में इतना ही, अब हम ड्रैकुला सीरीज़ का दूसरा भाग जल्दी लेकर आएंगे जिसमें उसका टकराव नागराज से होगा। तो गाइस, ये भाग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए, एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।